हेलो सर बोलिए। जी, ये 9 रुपी का नंबर है। या 9 रुपए लोन कस्टमर केयर सर बोलिए। ये मेरा एक लोन क्लोज करवाना था मेरे को। हाँ सर, तो इसमें आपने कितना लोन लिए थे? इसमें मेरे को 3,300 रुपीज़ आया हुआ है, और ये मुझसे अभी मेरे को ये 7 दिन में यहाँ पे इसका डबल बोल रहे हैं पे करने को। तो वैसे तो मैं कैसे पे कर पाऊंगा अभी 7 दिन के अंदर? मेरे को चाहिए भी नहीं था, मेरे को तो बड़ा अमाउंट चाहिए था। मैक्सिमम आपको कितना लोन चाहिए सर? मेरे को, मैं 30,000 का चाहिए था मेरे को 30,000। जी। या उसके लिए सर आपको ये आप जो लोन है ये आप कैंसिल कराना चाहते हो ना? हाँ, ये मेरे को वापस ले लीजिए आप अपना जो पैसा आपने दिया है, और फिर मेरा अकाउंट क्लोज कर दीजिए। जी या सर हो जाएगा सर, उसके लिए आप निश्चित रहिए। ठीक है जी या सर, लाइन पर रुकिए, मैं आपको आपका जो है लोन जो है मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ। अभी सर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा है सर? जिससे मैंने कॉल किया यही नंबर है, यही है। मैसेज इसी नंबर पे आएगा, ओटीपी आएगा। या हाँ, तो ये क्या करना है इसको अब? सर ये देखिए, जो आपका लोन है ये मैं यहाँ से आपका जो है क्लोज कर दे रहा हूँ। एक मिनट मैं देख लेता हूँ क्या मैसेज। तो अभी तक, एक मिनट, मैसेज आपका ये तो क्या? डियर कस्टमर, ये टोए वाला करके नाम का आया है। फोटोकॉपी करके नहीं आया कोई? नहीं, ओटीपी करके, ये टोई वाला से आया। ये तो 9 रुपी है ना, हाँ, तो फिर ये टोई वाला का नंबर आ गया। रुकिए रुकिए, मैं आपको फिर से आपको सेंड कर रहा हूँ, उसके लिए निश्चित रहिए। मैं ओटीपी बता दूं आपको? या बोलिए। इससे कुछ दिक्कत तो नहीं होगा ना ओटीपी? क्योंकि इसमें ओटीपी तो बताने का नहीं रहता है किसी को भी। नहीं, वो बात तो सही है सर, लेकिन जो आपका लोन है यहाँ से अब जब पूरा डाटा हटा दिया जाएगा उसके लिए आप निश्चित रहिए। मैं आपको इसकी अभी आपका जो है देखिए, आप मैसेज नंबर बोलिए सर, मैं आपका लोन आपका यहाँ से आपका क्लोज कर रहा हूँ ना। हाँ, हाँ बोलिए। क्लोज करने के लिए ओटीपी बताना पड़ेगा। या सर यहाँ से आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ मेरे को लोन नहीं चाहिए, तो पूरा डाटा यहाँ से आपका हटा दिया जाएगा। जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करिएगा तो फिर से आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब भी जाके आपको लोन मिलेगा। मतलब 9 रुपये से मेरे को कभी फिर दोबारा लोन नहीं मिल पाएगा? दोबारा आप नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप निश्चित रहे। जैसे आपका है फिर से आपको आधार कार्ड आपको पैन कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, ये 9 रुपये, ये इंडिया का ऐप है या चाइनीज का ऐप है? ये इंडिया का है सर। ये इंडियन ऐप है। तो ये या ऐसा क्यों कर रहा है इंडिया के लोगों के साथ? सर देखिए, ये 7 दिन का एप्लीकेशन रहता है सर। ये देखिए जो कंपनी वाला सर, देखिए उतना हम सात दिन का लोग तो लोन कोई क्यों, कैसे, कहाँ से देगा? कैसे नहीं सर, देखिए आप प्ले स्टोर में जितना भी एप्लीकेशन आएगा तो 7 दिन का एप्लीकेशन आता है ये जो। सारा 7 दिन वाला ही रहता है, जितना भी ये क्विक मनी, डबल ए क्रेडिट, सेफ मनी, ये सारा। ये सब 7 दिन वाला एप्लीकेशन है सर। तो आप इसके लिए भी मेरे को यहाँ से, मेरे पास और भी लोन ऐप है तो उसका भी क्लोज करवा दीजिएगा आप। कोई दिक्कत नहीं सर। कौन से ऐप से आपने लिए हैं? ये डबल ए क्रेडिट का है मेरा। कितना लोन लिए थे? 15,000 ना नहीं, 15,000 तो नहीं आया था मेरे अकाउंट में, कम ही पैसा आया था। सर, मैं आपको बता देता हूँ, 15,000 अप्लाई किए थे और आया था अकाउंट पे 9,030 रुपये। जी, ये कम ही पैसा आया है, फिर उसका डबल मेरे को ये हफ्ते भर में भरना है। मैंने देखो, मेरे को पैसे की जरूरत थी तो मैंने एक से कम आया, दूसरा तीसरा, ऐसे करके मेरे पास 5-6 ऐप हो गया। कौन सा ऐप लिए सर? हमारे यहाँ से ए क्रेडिट है, ये सब बहुत सारा कंपनी है, क्यूक मनी। मैं बता देता हूँ आपको, देख के मेरे किस किस से पैसे आए हुए हैं मेरे को, क्योंकि एक के अंदर कई कई बार बहुत सारा ऐप है तो पता भी नहीं चल रहा है कि किससे किससे पैसा आ गया। एक हीरो रुपी से आया हुआ है मेरे को, आया हीरो रूपी हमारी कंपनी का है। और एक मेरे को फिर ये दूसरा डबल ए क्रेडिट से आया हुआ है। या उसमें आपको 9,030 रुपये आपको मिला होगा, या तो 10,000 कुछ 6,000। और एक मेरे को फिर इसका पता नहीं, एक और एक सेफ मनी है। हाँ, सेफ मनी का आया हुआ है। या सर सेफ मनी तो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, जो आपने लिए थे लोन क्या सेफ मनी? सेफ मनी में आपका जो है 1,800 आपको मिला था ना? ऐसे नहीं पता होगा मेरे को, मैंने तो एक डायरी में लिखा हुआ है, क्योंकि
वो पैसा जब आया था तो उसमें तो लिख के नहीं आ रहा था कि किस ऐप से आ रहा है। हाँ, वो तो नहीं आता है, लेकिन जब आप आधार कार्ड पैन कार्ड जो सबमिट करते हैं उसमें आपको 3,000 में आपको 1,800 रुपया मिलता क्योंकि है। इसमें डबल रिपेमेंट है, उससे पता चल जाएगा कि किससे आया है, क्योंकि रिपेमेंट जो करना है उसे पता चल जाता है। या तो सर देखिए, मैं आपको कंपनी का अकाउंट नंबर आपको सेंड कर देता हूँ, जितना मिला है उतना ही आपको सेंड करना होगा, ठीक है? और लाइन पे रहते हुए आपका ऐप क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपको, और ये क्योंकि सेफ मनी हट गया क्यों, हटा दिया आप लोगों ने? सर देखिए इसमें ज्यादा जो है कंपनी प्रचार नहीं कर पाया, उसके रिकॉर्डिंग एक क्रेडिट ओपन हुआ, उसके बाद 0 रुपी ओपन हुआ, उसके बाद 9 रुपी। तो उसने बोला, सर लोग ने बोला कि इतना कंपनी मैनेज नहीं कर पा रहा था, उसीलिए कंपनी बंद हो गया वो। तो हीरो रूपी भी तो हटा दिया गया ना। हाँ, प्ले स्टोर में है, प्ले स्टोर में नहीं है अभी अवेलेबल, लेकिन कंपनी है वो बात अभी है। मतलब जितना अभी, मतलब जितना लोग लोन लिया है तो उसमें जब तक मतलब रीपेमेंट नहीं करता है तब तक कंपनी वाला नहीं कंपनी हटाता अच्छा, है, वही बात है सर। तो ये कंपनी कहाँ पे है आपका, दिल्ली में या कहाँ पे है? ये मुंबई हेड ब्रांच सेक्टर 7, गांधी मोरिया, गुड़गांव। गुड़गांव में है ये, या तो ये तो दिल्ली के पास ही है ना गुड़गांव, तो मैं भी दिल्ली से बात कर रहा हूँ, तो ये तो दिल्ली के पास ही है गुड़गांव। तो आप बता रहे हो कि मुंबई से हो। या सर मुंबई में, देखिए मुंबई में ब्रांच है। आप मेरे को बता सही तो रहे हो ना, वरना पता चले कि मेरे साथ फिर फ्रॉड हो जाए कोई। क्योंकि तो ऐसा एक बार मेरे से, एक मैंने यूपीआई पे पेमेंट कर दिया, वो ब्लैकमेल कर रहे थे मेरे को मेरा फोटो दिखा के, और वो ऐप पे भी अपडेट नहीं हुआ पेमेंट करने के बाद भी। क्योंकि उसके लिए आप निश्चित रहे सर, मैं लाइन पे रहती हूँ, आपका ऐप। कई बार इसमें मेरे साथ धोखा ऐसा हुआ है, तो एक बार मैंने उन्होंने मेरे को फोटो भेजा, मैंने भैया डर के मारे पैसा दे दिया, और फिर वो अब ऐप पे भी अपडेट नहीं हुआ, वो फिर दोबारा मेरे को अलग अलग नंबर से पैसे और मांग रहे हैं। मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? हाँ सर देखिए, हम लोग भी मजबूरी में सब जॉब करते हैं, तो देखिए आपको कितना सैलरी मिलता है वहाँ पे? तो सर हमारे यहाँ पे 30,000 सैलरी है मेरे को हमारे। भी आप जॉब लगा दो, मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो सर देखिए, कंपनी उसके लिए सर सर से बात करना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपके सीनियर के पास को कॉल को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे को भी पैसे की ज़रूरत है, और फिर ये अभी तक की बातचीत आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा, लेकिन इसमें हमने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, शायद ही आपको कहीं मिला होगा, और आपको कम्प्लीटली आपकी आंखें खुल जाएंगी, भविष्य में कभी फ्रॉड नहीं होगा, रिकवरी जिनसे आप डरेंगे नहीं, लोन वाले आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, ठग नहीं पाएंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसके द्वारा प्रोवाइड। इतना टाइम हमने करीबन अपना आधा घंटा आपको अवेयर करने के लिए, आपका पैसा बचाने के लिए, और इस फ्रॉड से आपको बचाने के लिए, इसके लिए आपको हमें बस करना इतना है कि आपको भी अपना थोड़ा सा टाइम लगाएं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, चाहे कॉन्टैक्ट लिस्ट में करें, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा के करें, फेसबुक पर करें, या अपने दोस्तों को भेजें या शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको देखना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट ही वीडियो में मैं डाल दूंगा, जिससे कि कंटिन्यूएशन में आपको मिल जाए और आपकी आंखें खुल जाएं और आप अपने आप को बचा सकें। अगर आप भी फ्रॉड में फंसे हुए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर